हेलो फ्रेंड, मदर बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आप लोग के लिए बहुत ही प्यारा निक का डिजाइन लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हमने पेपर पेस्टिंग को ले लिया है और ये डबल है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम ये बता दें फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो हमने जो पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है वो 10 इंची पक्का लिया है, 5 इंची का डबल। और हमने जो पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है वो 8 इंची लिया है। तो इस तरह से आप पेपर पेस्टिंग को ले लेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड कि निक का हम ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे। हमारा जो यहाँ पे ब्रॉडनेस है फ्रेंड वो 5.5 इंची है। तो इस तरह से हम 2.75 इंची पे निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम निक का डिप रखेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे निक का डिप है फ्रेंड वो 4.5 इंची है। तो 4.5 इंची पे इस तरह से हम निशान लगाएंगे। अब हमने ऊपर में जितना ब्रॉडनेस का निशान लगाया था तो हम नीचे में भी उतना ही ब्रॉडनेस का निशान लगा लेंगे। अब हम एक दूसरे निशान को स्केल के सहारे मिला देंगे। अब हम निक का शेप देंगे। शेप देने के बाद अब हम इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और हम 1 इंची पे इस तरह से निशान लगाएंगे। तो 1-1 इंची पे निशान हम बाहर में पूरे में लगा लेंगे। एक दूसरे निशान को मिला लेंगे। क्या करेंगे कि तकरीबन 1/2 इंची पे इस तरह से निशान लगाएंगे और 1/2 इंची पे निशान हम पूरे में लगाते चले आना है। अब हम निक की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मुझे अंदर वाले निशान पे कटिंग करनी है, फिर मुझे इस निशान पे कटिंग करनी है और फिर मुझे इस निशान पे कटिंग करनी है। हमने निक को काट लिया बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। बड़े वाले निक को हम हटा लेंगे और जो हमारा बीच से निकला था इस निक को रखेंगे। अब हम एक पेपर को लेंगे। पेपर को लेने के बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस निक को अच्छे तरीके से पेपर पे हम इस तरह से बैठा लेंगे और बैठाने के बाद आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। निशान को लगाने के बाद अब हम इसको हटा देंगे और इस पेपर को हम रख देंगे। अब हमने बड़े वाले निक को ले लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड कि कुर्ती का कपड़ा में इस निक को हम चिपका लेंगे। क्वार्टर इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे में कटिंग कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं मशीन पे और हम बताते हैं कुर्ती में इस निक को कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड, हम मशीन पे आ चुके हैं और हमने निक को ले लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक सिलाई लगाते हुए हम पूरे निक में चले आएंगे। सिलाई को लगाने के बाद निक को इस तरह से आप बराबर करेंगे और बराबर करने के बाद सबसे पहले मुझे एक सेंटर कट लगानी है। और यदि हमारे चैनल पे अभी नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब हम कुर्ती का फ्रंट लेंगे। तो
तो हमने कुर्ती का फ्रंट ले लिया है और बीच में सेंटर कट भी लगा लिया है और आयरन से हमने अच्छे तरीके से सेंटर क्रीज बना लिया है। तो इसी तरह से आप भी आयरन से सेंटर क्रीज बना लेंगे। अब हम कुर्ती को ओपन करेंगे इस तरह से। तो हम निक को लेंगे। निक को लेने के बाद कुर्ती का सेंटर और निक का सेंटर दोनों सेंटर को हम इस तरह से रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड की एक सेंटर सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा निक इधर उधर ना जा सके। सेंटर सिलाई लगाने के बाद अब हम पेपर पेस्टिंग में पूरे निक में सिलाई को लगा लेंगे। अब हम 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे में कटिंग कर लेंगे। जहाँ राउंड है हम कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद निक को इस तरह से आप पलटेंगे और इस तरह से पलटने के बाद लप्पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम निक को बैठा लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम कुर्ती को रख देंगे। हमने पेपर को ले लिया है जो हमने ड्रॉ किया था निक का, उस पेपर को लेने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि अब मुझे पट्टी बनानी है। तो हमने कुर्ती का कपड़ा का पहले ही पट्टी बना लिया है फ्रेंड। यदि आपको अगर पट्टी बनाना नहीं आता है तो हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से पट्टी बनाना सीख लेंगे। पट्टी को इस तरह से रखेंगे और इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और मुझे 2.5 इंची पे कटिंग कर लेनी है। पट्टी को हम 2.5 2.5 इंच पे कटिंग कर लेंगे। पट्टी को कटिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से आप दो पट्टी को ले लेंगे। पट्टी को लेने के बाद आप इस तरह से बिल्कुल रखेंगे और दूसरे पट्टी को आप इस तरह से रखेंगे। बिल्कुल इस तरह से आप पट्टी को रखेंगे और हमारा जो ये सेंटर है बिल्कुल दोनों निशान के बिल्कुल बीच में होना चाहिए। फिर हम तीसरी पट्टी को इस तरह से रखेंगे और चौथी पट्टी को फिर हम इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल हम बीच में सेंटर सिलाई लगाते हुए इसी तरीके से हम पूरे निक में बैठा लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हमने जो निशान लगाया था बिल्कुल उसी निशान पे हम सिलाई को लगाएंगे और अच्छे तरीके से इस तरह से हर एक पट्टी को हम इस तरह से बैठाएंगे और सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ चले आएंगे। जिस तरीके से हमने बाहर में बैठाया है उसी तरीके से अंदर में भी मुझे निशान पे सिलाई लगाना है और पट्टी को बिल्कुल फिनिशिंग से इस तरह से बैठाते हुए पूरे में चले आना है। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि अंदर वाले निशान से मुझे 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए बिल्कुल पूरे में कटिंग कर लेनी है। बाहर में भी 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे में कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम कुर्ती का फ्रंट लेंगे। कुर्ती का फ्रंट लेने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रंट कि बिल्कुल इस तरह से हम निशान पे रखेंगे और इस तरह से रखते हुए पूरे निक को अच्छे तरीके से हम बैठा लेंगे। लप्पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम पैच को अटैच कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड के अंदर में मुझे पट्टी लगानी है। तो हमने यहाँ पे सलवार का कपड़ा लिया है फ्रेंड और ये बिल्कुल उरेब है और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है वो 1/4 इंची रखा है। तो इस तरह से 1/4 इंची का उरेब पट्टी आप ले लेंगे।
पट्टी लेने के बाद अब क्या करेंगे फ्रेंड कि निक को इस तरह से आप उल्टा कर लेंगे, और उल्टा करने के बाद अब मुझे क्या करनी है कि पट्टी को इस तरह से आप डबल फोल्ड कर लेंगे, और इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि पट्टी को इस तरह से हम रखेंगे। हमने जो सिलाई लगाया है बिल्कुल इसी सिलाई पे सिलाई लगाते हुए हम पूरे में पट्टी को बैठा लेंगे। पट्टी को लगाने के बाद अब हम निक को इस तरह से पलटेंगे, और इस तरह से पलटने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि पट्टी को इस तरह से आप पलट लेंगे, और इस तरह से पलटने के बाद इस तरह से आप पट्टी को पलटेंगे, और इस तरह से पलटने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि लप पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम पट्टी को बैठा लेंगे। अब मुझे क्या करनी है कि हर एक जोड़ पे मुझे एक एक मोती को टाक लेनी है। तो फ्रेंड हमने पूरे में मोती को भी टाक लिया है और पेपर को भी निकाल लिया है, इससे निक की फिनिशिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हो। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियोस को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना फ्रेंड।